हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 5 साइंस का लेसन 2, जिसका नाम है एनिमल बर्ड्स, मतलब जानवरों का संसार। इस लेसन में हम देखेंगे जानवरों की आदतें यानी कि एनिमल हैबिटेट्स, उसके बाद बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों का शरीर किस चीज़ से कवर होता है, उनमें क्या क्या अंतर होते हैं, इसके बाद उनके खाने की आदतें कैसी होती हैं, दैट इज ईटिंग हैबिट इन एनिमल्स, उसके बाद मूवमेंट इन एनिमल्स, किस तरह से एनिमल्स मूव करते हैं, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स यानी कि किस तरह से वो सांस लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, किस तरह से वो अपने जैसे दूसरे यंग वंस यानी अपने जैसे बेबी को बर्थ देते हैं, और माइग्रेशन इन एनिमल्स, एक जगह से दूसरी जगह वो क्यों जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज एनिमल वर्ल्ड। एनिमल किंगडम इज अ वेरी लार्ज एंड constitute a number of animals big and small which are found on land, water and air. Animals are found in desert, polar region, mountain and also in deep oceans. They have some special adaptation that help them to live in the places. हमारे संसार में हर जगह एनिमल्स होते हैं, ये बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, ये जमीन में पाए जाते हैं, पानी में मिलते हैं, हवा में उड़ने वाले जानवर पक्षी होते हैं, और डेजर्ट यानी रेगिस्तान में मिलते हैं, पोलर रीजन यानी हमारे नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल पे मिलते हैं, माउंटेन्स यानी पहाड़ों पे मिलते हैं, और गहरे समुद्रों में मिलते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल हैबिटेट्स। व्हाट इज हैबिटेट्स? लास्ट क्लास में आपने प्लांट हैबिटेट के बारे में सुना था, इस क्लास में हम एनिमल्स की हैबिटेट क्या होती है यानी कि वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी आदतों को किस तरह से बनाते हैं। द एरिया वेयर अ पर्टिकुलर एनिमल लिव नेचुरली इज कॉल्ड हैबिटेट। सम एनिमल्स लिव्स इन फॉरेस्ट, अदर इन ग्रास लैंड एंड मैनी लिव्स इन पॉन्ड, रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस। A large number of animals also live in underground. बहुत सारे जानवर हमारे ऐसे होते हैं जो जमीन के ऊपर रहते हैं, कुछ घासों पर रहते हैं, घास के मैदान में, कुछ जंगलों में, कुछ जमीन के नीचे रहते हैं। There are 5 main habitats where animals live. Those are forest, desert, polar region, mountains and water. Both fresh water and ocean water. मतलब 5 प्रकार के हैबिटेट्स बताए गए हैं, जंगल, रेगिस्तान, पोलर रीजन, माउंटेन, वाटर, चाहे फ्रेश वाटर हो या ओशन का वाटर। चलिए तो अब आगे देखते हैं कि फॉरेस्ट में ये किस तरह से रहते हैं, इनकी हैबिटेट्स फॉरेस्ट में कैसी होती है। अ फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया दैट कवर्ड बाई प्लांट्स एंड ट्रीज। फॉरेस्ट कैसा होता है? एक बड़ा एरिया होता है जो प्लांट और ट्रीज से कवर होता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू एन लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स, वो उनको छाया देता है, घर देता है। एनिमल्स सच एज लॉयन, टाइगर, बियर एंड बैट लिव इन केव्स। लॉयन, टाइगर और बियर जैसे एनिमल्स केव में रहते हैं। एनिमल्स सच एज मंकी, बर्ड्स लिव इन ट्रीज। मंकी और बर्ड्स जो है ट्रीज में रहते हैं। रैबिट, स्नैक, रैट एंड अर्थवॉर्म्स लिव ग्रोज इन अंडरग्राउंड। रैबिट, स्नैक और रैट जो है वो जमीन के नीचे रहते हैं। डेजर्ट रीजन के एनिमल्स के हैबिटेट क्या है? अ डेजर्ट इज अ ड्राई एंड सैंडी रीजन विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट क्या होता है? जहाँ सूखी और रेतीली मैदान को डेजर्ट बोलते हैं। एनिमल्स लिव इन डेजर्ट हैव स्पेशल फीचर्स टू सर्वाइव इन द हॉट एंड द ड्राई क्लाइमेट। जैसा कि अपन जानते हैं कि डेजर्ट में बरसात कम होती है, वहाँ कम पानी होता है, तो वहाँ के जानवर जो है
वो उस तरह से अपने आप को किस तरह से रखते हैं। सम एनिमल्स दैट लीव इन द डेजर्ट स्टे कूल ड्यूरिंग द डे बाय ब्यूरिंग अंडर ग्राउंड। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वो जमीन के नीचे रहते हैं, जिससे उनको ठंडक मिलती रहती है गर्मियों के टाइम पे भी। अदर डेजर्ट एनिमल्स हैव ए थिक स्किन टू अवॉइड वाटर लॉस थ्रू स्वेट। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके शरीर पे मोटी चमड़ी होती है, जिसके कारण उनका पसीने से उनके शरीर से पानी नहीं निकल पाता है। पोलर रीजन एंड माउंटेन्स। पोलर रीजन, अर्थ्स पोलर रीजन्स एंड हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड एक्सट्रीम कोल्ड। पोलर रीजन और हायर माउंटेन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सच एनिमल्स ऑफ पोलर बियर हैव ए थिक फर ऑफ लेयर ऑफ फैट बेनेथ थिन स्किन विच कीप देम वॉर्म। मतलब इनके शरीर पे मोटा फर होता है, इनके शरीर के बाहरी हिस्से पे फैट जमा होता है जिससे कि इनको ठंड नहीं लगती है। पेंगुइन सील एंड वर्नस आर फाउंड इन द पोलर रीजन। ये पोलर रीजन के एनिमल्स हैं। ओशन। ओशन इज ए हाई यूक सॉल्ट वाटर बॉडी दैट कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। ओशन जो है वो नमक का पानी होता है उसके अंदर, और हमारी धरती पे 2/3 एरिया में ये कवर किया हुआ है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैबिटेट। ये सबसे ज्यादा हैबिटेट्स वाला एरिया है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ फ्रेश वाटर फ्रेश एंड फाउंड इन ओशन। पानी मतलब फ्रेश वाटर में और ओशन में बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स मिलते हैं, जैसे व्हेल, ऑक्टोपस, जेलीफिश आर सम एक्वेटिक क्रीचर्स फाउंड इन ओशन। अब हम देखते हैं फ्रेश वाटर में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं। रिवर, लेक, पॉन्ड्स आर द एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। एनिमल्स लाइक फिश, शार्क एंड क्रोकोडाइल लिव इन द फ्रेश वाटर। जो साफ पानी है उसमें मछलियाँ, शार्क और अदर एनिमल्स मिलते हैं। बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। अब हमारे एनिमल्स अपने शरीर को में बॉडी की कवरिंग क्या होती है। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग हेल्प देम टू लिव एंड सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। शरीर के ऊपर का जो चमड़ी होती है वो इनको सर्वाइव करने में बहुत मदद करती है। ठीक है, कैसे? क्योंकि जब ये लोग गर्म जगह में हैं या ठंडी जगह में हैं तो उसके हिसाब से इनकी, अभी वही हम पढ़ेंगे इसमें। स्केल्स। बॉडीज ऑफ स्नैक्स, क्रोकोडाइल एंड लेजार्ड आर कवर्ड विथ स्केल्स विच प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडीज। इनके बॉडी में स्केल्स होती हैं जिससे इनकी बॉडी से वाटर लॉस नहीं होता है और वो आराम से रह पाते हैं। फिशेज आर कवर्ड विथ वाटर प्रूफ ओवरलैपिंग स्केल्स। फिशेज में क्या होता है, वाटर प्रूफ ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं जिससे इनके शरीर पानी से गीले नहीं होते हैं। शेल्स। द बॉडी ऑफ एनिमल्स लाइक टर्टोइज, स्नेल एंड टर्टल्स आर कवर्ड विथ हार्ड शेल्स विच प्रोटेक्ट देम। है ना, कछुआ हो गया, सीप हो गई, इनके शरीर के बाहर क्या होता है, एक कड़ा आवरण होता है जिससे ये अपने आप को बचाते हैं। When these animals sense danger, they withdraw their head and feet into the sand. और जब इन लोगों को खतरा लगता है तो वो खोल के अंदर अपना शरीर घुसा लेते हैं। If you touch a snail gently, you will see how it withdraws its body into the shell. जैसे अपन देखते हैं कि अपन लोग किसी भी स्नेल को टच करते हैं तो क्या करता है, वो धीरे से अपने शरीर को उसके अपनी जो खोल है उसके बाहर शरीर में उसको उसके अंदर कर लेता है। फर। एनिमल लाइक शीप एंड बियर्स आर कवर्ड विथ फर दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड एंड रेन। कुछ जानवरों के शरीर में फर होते हैं जिससे वो अपने आप को ठंड और बरसात से बचाते हैं। फीदर्स, पंख। बर्ड्स आर कवर्ड विद द फीदर्स विच हेल्प देम इन देयर फ्लाइट। जानवर पक्षियों के शरीर में पंख होते हैं जो उनको उड़ने
में मदद करते हैं. फीडर्स आल्सो कीप देम बॉडीज लाइट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. पंख से क्या होता है, उनका शरीर हल्का रहता है और उनको गर्माहट भी मिलती रहती है. अब ईटिंग हैबिट्स इन एनिमल्स, खाने की आदतें. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. सबको पता आएगा कि हमको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग तरह का खाना खाते हैं बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स. एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स. तीन प्रकार के खाने की आदतों के आधार पर जानवरों को तीन प्रकार में बांटा गया है. पहला है हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, दूसरा और तीसरा ओमिनिवोरस. तो हर्बीवोरस क्या होता है हम देखते हैं. प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस. जो एनिमल्स पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं, यानी कि पेड़ पौधे खाने वाले जानवर. एनिमल्स आर काउ, गोट, हॉर्स, जिराफ, गाय, खरगोश, घोड़ा, बकरी, ये सब कैसे हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स हैं. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ. उनके आगे के दांत हैं वो तीखे होते हैं जिससे वो उसको काट सकते हैं. एंड ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, मोलार्स फॉर ग्राइंडिंग. मतलब आगे के दांत तेज और पीछे के दांत चौड़े होते हैं जिससे वो चौड़े दांतों से वो चबाने का काम करती है या करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है कॉर्निवोरस. कॉर्निवोरस आप समझ गए होंगे, वेरी नाइस. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निवोरस. जो मांस खाने वाले जानवर हैं उनको हम कॉर्निवोरस कहते हैं. दे हैव शार्प पॉइंटेड कैनाइन टीथ, टियरिंग फ्लैश. मांस को फाड़ने के लिए उनके आगे के बहुत तेज कैनाइन टीथ होते हैं. द एग्जाम्पल्स आर लॉयन, टाइगर, कैट एंड वॉल्फ. लॉयन, टाइगर, कैट, वॉल्फ इसके एग्जाम्पल हैं. ओमिनिवोरस, ओमिनिवोरस ऐसे एनिमल जो फ्लैश ईटिंग भी होते हैं और प्लांट ईटिंग भी होते हैं, मतलब दोनों चीजें खा सकते हैं, उनको हम ओमिनिवोरस कहते हैं. सम एनिमल्स ईट फ्लैश एंड अदर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, दे आर कॉल्ड ओमिनिवोरस. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, बियर एंड क्रो. हम देखते हैं बहुत सारे लोग एनिमल्स के मांस को भी खा लेते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, इसलिए ह्यूमन को लिया गया है. ऐसे ही भालू भी है जो वो दोनों चीजें खाता है और कौवा भी दोनों चीजें खाता है. अब हम देखते हैं मूवमेंट इन एनिमल्स, कैसे ये चलते हैं. एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पार्ट्स फॉर लिम्स फॉर मूवमेंट. दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनके अलग अलग तरीके होते हैं. पहले अपन देखते हैं इंसेक्ट कैसे चलते हैं. ऑल इंसेक्ट हैव सिक्स लेग. जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके छह पैर होते हैं. मोस्ट इंसेक्ट यूज देयर लेग्स टू मूव. इंसेक्ट लाइक एंट एंड कॉकरोच क्रॉल ऑन देयर लेग. ये अपने पैरों से रेंगने का काम करते हैं. वाटर इंसेक्ट लाइक द वाटर बोटमैन जो है वो पंखों में बदल जाते हैं और उड़ने के लिए इनको मदद करते हैं. इसके बाद है वाटर एनिमल्स हमारे किस तरह से चलते हैं. ऑल वाटर एनिमल्स स्विम बाय पैडलिंग एंड पुशिंग बैक द वाटर. जैसे हम पैडल चलाते हैं वैसे ही चलते हैं. ये चलाते हैं अपने पैरों को और पानी में तैरने का काम करते हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू स्विम. अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग तरीके से तैरते हैं. जैसे फिशेज हैव फिन्स फॉर स्विम. फिश
फिशेस के पास क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। अ पेयर ऑफ फिन्स हेल्प देम टू कीप देयर बैलेंस एंड चेंज डायरेक्शन। फिश में कितने होते हैं? एक जोड़ी फिन्स होते हैं जो उनको बैलेंस देने का काम करते हैं और डायरेक्शन चेंज करते हैं। Turtle have four paddle legs like limbs to push water back and swim। जो कछुआ है वो टर्टल जो है वो क्या करता है, वो अपने पैरों को पैडल जैसे बना लेता है और पानी में तैरता है। Birds fly with their wings which are actually their four limbs। आगे के जो दो लिम्स होते हैं, फोर लिम्स जो कहलाते हैं, उनको बर्ड्स में ये फोर लिम्स पंखों में बदल जाते हैं और उन पंखों की मदद से उड़ते हैं। विंग्स हैव फीदर्स, पंखों में क्या रहते हैं, पंख रहते हैं जो विंग्स हैव फीदर्स, ठीक है। द विंग्स आर अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन ऑफ बर्ड्स, और उनकी छाती से वो जुड़े रहते हैं। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलो, और उनके जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं। विच मेक देयर बॉडीज लाइट एंड ईजी टू फ्लाई हाई इन द एयर, और चूंकि खोखली होती हैं तो इसलिए हल्की होती हैं और हवा में इनको आसानी से ये उड़ सकते हैं। सम बर्ड्स हैव लार्ज बॉडीज एंड पुअरली डेवलप्ड विंग्स, कुछ लोगों के शरीर बड़े होते हैं लेकिन पंख जो है पूरे डेवलप नहीं हो पाते हैं। हैंस they are unable to fly, तो इसलिए ये उड़ नहीं सकते हैं। Example ostrich, emu and kiwi, ये तीनों जानवर ऐसे हैं जो हवा में उड़ नहीं सकते, ठीक है। ये है ostrich, ostrich के पंख बड़े होते हैं, शरीर भारी होता है, इसलिए ये हल्का सा बस उड़ के रह जाता है, बाकी के एनिमल जो है वो हवा में आराम से उड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लैंड एनिमल्स, जमीन में रहने वाले जानवर। सभी जमीन में रहने वाले जानवरों के चार लिम्ब होते हैं। द टू लिम्स इन द फ्रंट आर कॉल्ड फोर लिम्ब एंड द टू लिम्स बिहाइंड आर कॉल्ड द हाइंड लिम्स। सम एनिमल्स लाइक हॉर्स यूज ऑल फोर लिम्स टू मूव, व्हाइल अदर लाइक कंगारू आर यूज देयर हाइंड लिम्स टू। घोड़ा क्या करता है, अपने जैसे वो उपयोग करता है और जो पीछे के जो दो पैर हैं उनकी सहायता से वो मूव करता है। इसके बाद में द लिम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर हाईली डेवलप्ड, हमारे जो लिम्स हैं वो बहुत डेवलप्ड होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स यूज देयर हाइंड लिम्स और लेग्स टू स्टैंड अपराइट एंड सपोर्ट देयर बॉडी एज वेल एज फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। हमारे जो हिंड लिम्स हैं, जो पीछे के लिम्स हैं पैर, वो पैर के जैसे होते हैं और इनकी सहायता से हम खड़े हो सकते हैं, दौड़ सकते हैं। क्रोकोडाइल, लेजार्ड, टर्टोइज एंड टर्टेल हैव शॉर्ट लिम्स दैट हेल्प देम टू क्रॉल, इनके पैर जो है वो छोटे होते हैं तो ये रेंगने का काम करते हैं। स्नेक्स आर लिम्बलेस रेप्टाइल, स्नेक के लिम्ब नहीं होते हैं। दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ स्केल्स और प्लेट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी, इनके शरीर के अंदर की तरफ जो स्केल्स या पीछे प्लेट्स होती हैं उनकी मदद से ये मूव करते हैं। Beside plates, they have strong muscles and flexible backbone that help to move. इनके जो backbones हैं वो बहुत strong होते हैं, muscles जो हैं बहुत strong होते हैं जो इनको move करने में help करते हैं।
तो ये था एनिमल्स के चलना और उनके चलने के तरीके। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स सांस कैसे लेते हैं। ऑल एनिमल्स ब्रीद थ्रू आउट देयर लीव्स। सभी जानवरों को जीवित रहने के लिए सांस लेने की जरूरत पड़ती है। ऑल एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जानवर सांस लेते हैं, जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एक्सहेल। द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सांस लेने और छोड़ने की इस प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एनिमल्स में ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिक्स हो जाती है और सभी भागों में चली जाती है। अब हम देखते हैं मम्मल्स क्या होते हैं। मम्मल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड हैव बैकबोन। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मम्मल्स आर ब्रीद थ्रू लंग्स। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड क्या होते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके शरीर का खून गर्म होता है, उन्हें हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, और जिनके शरीर का खून ठंडा होता है उन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। और जो मम्मल्स होते हैं उनमें वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं हम, उनमें बैकबोन होती है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मम्मल्स ब्रीद थ्रू लंग्स, और ये लंग्स के हेल्प से सांस लेते हैं। ह्यूमन बींग्स आर द मम्मल्स। मम्मल्स ब्रीद एयर थ्रू देयर नोज एंड माउथ। ये मम्मल्स जो भी होते हैं वो सारे के सारे नाक से और मुंह से सांस लेते हैं। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल और माउथ एंड रीचेज द लंग्स थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड विंड पाइप। एक विंड, जब हम आगे के चैप्टरों में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको विंड पाइप भी देखने को मिलेगा। The lungs takes oxygen in from the air and exhale carbon dioxide through nostril. और हम ऑक्सीजन को नाक से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को नाक से ही छोड़ते हैं। Amphibians. Amphibians are animals that live both land and water. जो जानवर पानी और जमीन दोनों में रहते हैं उनको हम amphibian कहते हैं। A frog. Frog breathes through its lungs when it is on land and respires through most skin when it is in under the water. जब frog क्या है, जमीन के ऊपर रहता है तो अपने lungs से breathe करता है, और जब पानी के अंदर रहता है तो moist skin, skin जो है उसकी जो नमी रहती है skin की, उससे ब्रीथ करता है। एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। फिशेस लिव इन वाटर। अ फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश क्या करती है, पानी में रहती है और गिल की सहायता से सांस लेने का काम करती है। इफ यू वॉचेज अ फिश केयरफुली इन एक्वेरियम यू विल सी इट्स माउथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंटिन्यूसली। है ना, आपने देखा है जब आपके घर के फिश एक्वेरियम में आपके फिश देखते होंगे तो उसका मुंह खुलता बंद होता रहता है। अ फिश टेक्स इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड रिलीज वाटर थ्रू इट्स गिल्स। फिश क्या करती है, अपने मुंह से पानी पीती है और गिल्स जो छोटे छोटे छेद होते हैं उससे वो पानी को बाहर निकालती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज रिलीज्ड इनटू द वाटर। और ऐसा करने से पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है वो शरीर में चली जाती है और जो शरीर के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल कर बाहर आ जाती है। Particular type of respiratory organs is found in insects like cockroach, caterpillar and grasshopper. इन जानवरों में cockroach, caterpillar, grasshopper में अलग तरह के respiratory system होते हैं। They breathe through spirals. The air hole present on the bodies.
शरीर के अंदर शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम स्पायरल्स कहते हैं। दीज स्पायरल्स लीड टू ए नंबर ऑफ एयर ट्यूब्स विच फ्रॉम द नेटवर्क दैट अलाउज एयर टू रीच एवरी टिश्यू इन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। ये बहुत सारे होते हैं और इनमें छोटे छोटे ट्यूब लगे होते हैं जिससे ऑक्सीजन उनके शरीर में पहुँचती है। अब है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन यानि अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देना, जैसे मुर्गी अपने छोटे चूजों को जन्म देती है, बिल्ली अपने किटन को जन्म देती है। द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल प्रोड्यूस अनदर एनिमल लाइक इटसेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसे दूसरी बच्चों को जन्म देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस डायरेक्टली बाय गिविंग बर्थ देम यंग वंस एंड अदर एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। कुछ जानवर क्या करते हैं, सीधे अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं और कुछ जानवर अंडों के द्वारा अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कैट गिव बर्थ टू ए किटन, कैट सीधे सीधे अपने बच्चे को किटन को बर्थ देती है। एंड अ हैन लाइज एग्स फ्रॉम विच चिक्स हैच आउट। और मुर्गी क्या करती है, अंडे देती है और उसके बाद उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। लास्ट टॉपिक है दैट इज माइग्रेशन इन एनिमल्स। यानी माइग्रेशन क्या मतलब होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान का परिवर्तन करना। सम एनिमल्स मूव टू लॉन्ग डिस्टेंस एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर्स, दे ट्रेवल इन ए लार्ज ग्रुप। द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन। कुछ समय के लिए जानवर एक जगह से दूसरी जगह लंबी दूरी पार करके जाते हैं और इस लंबी दूरी को पार करने को हम माइग्रेशन कहते हैं। एनिमल्स माइग्रेट टू एस्केप रैश वेदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर टू रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स वेयर दे कैन सेफली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। अब ये माइग्रेशन क्यों करते होंगे, क्योंकि जैसे अब आप मान लीजिए कुछ जानवर बहुत ठंडी जगह में रहते हैं तो ठंड के सीजन में वहाँ पर और ज़्यादा ठंड होने लगती है, तो वो वहाँ से निकल करके कम ठंडी जगहों पर आ जाते हैं और वहाँ पर अपना घर बना लेते होंगे। तो खाना भी उनको आसानी से मिल जाता है, क्योंकि अगर बर्फ़ गिरेगी और ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो उनको खाना नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो कम ठंड जगहों पे आ जाते हैं और जहाँ पर उन्हें अपना खाना अच्छे से मिल जाता है वहीं पर वो अपने बच्चों को जन्म भी दे पाते हैं। ठीक है। सम बर्ड्स लाइक स्टॉर्क द साइबेरियन क्रेन एंड द मलार्ड डक विजिट इंडिया एवरी विंटर। और ये जो पक्षी हैं, मलार्ड, क्रेन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, ये हर विंटर में, हर ठंड में इंडिया आते हैं। सम बर्ड्स लाइक माइग्रेशन इज कॉमन इन बर्ड्स। ये कॉमन शब्द है, कॉमन है। द आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ नियरली 70,000 किलोमीटर इन ईयर्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड रिटर्न बैक। कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जो अंटार्कटिका से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक 70,000 किलोमीटर का डिस्टेंस विंग्स के द्वारा पार करके माइग्रेट करते हैं। साइंटिस्ट यूज वेरियस मेथड्स टू स्टडी माइग्रेशन। रिंग्स एंड टिनी ट्रांसमिशन आर फिक्स्ड ऑन बर्ड्स एंड एनिमल्स टू ट्रैक देयर मूवमेंट पैटर्न्स। अब इन लोगों को के शरीर में साइंटिस्ट लोगों ने क्या किए, छोटे छोटे यंत्र लगा दिए जिसे रिंग या ट्रांसिस्टर कहते हैं, जिससे इनके मूव होने की सारी गतिविधियाँ रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो ये था हमारा एनिमल वर्ल्ड। अब इसके बाद के क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हैं। व्हाट आर कार्निवोरस, गिव एग्जांपल आपसे बन जाएगा। हाउ डू वाटर एनिमल्स मूव इन वाटर। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और इसी के साथ में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं,
दिए जा रहे हैं इनको आपको रफ कॉपी में अपने घर में करना है। जब इसके सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे तो उससे टैली करके आप उसको अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स और फिर मैच द पेयर्स। इसलिए हम आपके एक्सरसाइज के को इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को, अगर जिनके पास बुक ना हो, तो आप इस वीडियो से ही अपने कॉपी में इन एक्सरसाइज को नोट डाउन कर सकते हैं और लेसन की हेल्प से आप उसको समझ करके और उसके आंसर्स को लिख सकते हैं। इसके साथ साथ में एक काम और करेंगे आप बच्चे सभी कि हमने जो वीडियोस भेजते हैं उसको लाइक जरूर करिए। लाइक करने से क्या होगा कि आपको, हमें पता चल जाएगा कि आपने इस वीडियो को देखा है। और अगर लेसन समझ में नहीं आता है तो पूरा वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं जिससे आपको लेसन समझ में आ जाए। या आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास यदि बुक है तो आप बुक को खोल लें और जो वीडियो है उसको दोबारा देखें और देख करके उसको समझते चलें। एक्सरसाइज अपनी रफ कॉपी में करें। जब फेयर वर्क की लिए एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हम देंगे तब आप करेंगे। और अगर आपने अभी भी अपने स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब हम आपको नया वीडियो भेजें तो आपको वो पता चल जाए कि आज नया वीडियो आया है, यानी कि किसी सब्जेक्ट का नया लेसन आपके पढ़ने के लिए आ गया है। तो आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, घर पर रहें, सेफ रहें, वीडियो को बार बार देख करके समझें, लाइक और शेयर जरूर करें।